नमस्कार भाइयों। तो भाइयों ये है अरोमा का NB119 मॉडल नंबर है, ठीक है। ब्लूटूथ हेडफोन है। इसमें प्रॉब्लम देखिए, चार्जिंग जैक हमारा जो है, देखिए क्या हालत हुई है। ये हालत ऐसे होती है, हम जो उल्टा चार्जर घुसा देते हैं या फिर किसी चार्जर की पिन ऐसे होती है ना दबी हुई, तो उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि अगर बाई चांस हमारे जो चार्जर यहाँ से दबा हुआ है आगे से, तो हम लगा देते हैं, तो ज़बरदस्ती हम लगाते हैं तो हमारी पिनें टूट जाती हैं उल्टा चार्जर लगाने से। ये देखिए क्या हाल हो गया इसका, थोड़ा पास से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ठीक है, ये टूट चुका है अंदर से बिल्कुल। तो इसे चार्जिंग जैक चेंज कैसे करेंगे, पहला तो ये, और दूसरा ये इसका वे, क्योंकि प्रिंट उखड़ गए होंगे, ऐसे टाइम पे हमारे जो प्रिंट उखड़ जाते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, इसे इजिली हम खोल लेते हैं, ठीक है। आप अगर आपका अंदर से टूटा नहीं है तो दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कचरा वचरा फंस जाता है, तो उस वजह से भी नहीं चलता, तो हम इसे खोल लेते हैं। आराम से हमारा खुल गया है, ठीक है। खुलने के बाद दोस्तों ये हमारा ओपन हो गया इजिली। ये हमारे स्पीकर के हैं, जो ये हमारे जो है ईयरबड जा रहा है, तो इसका वो है, इसका हम जो है वायर निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, इसमें प्लस माइनस लगाने की कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसका हाल क्या हुआ पड़ा है, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए हाल क्या हुआ पड़ा है इसका, ठीक है। देखिए हाल, तो इसे मैं जैक को निकाल लेता हूँ। ये देखिए इसका हाल क्या हुआ पड़ा जैक का, ठीक है। तो हमें जैक दूसरा लगाना पड़ेगा। और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, मेन चीज़ जो है इसका प्लस वाला पॉइंट बिल्कुल उखड़ चुका है। देखिए इसका प्लस वाला पॉइंट उखड़ चुका है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है जो उखड़ चुका है। और एक और प्रॉब्लम है इसके अंदर दोस्तों, प्रॉब्लम ये है इसके अंदर कि मैं प्लस वाले में जोड़ूंगा तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो है ना यहाँ से हमारा एक कंपोनेंट भी उखड़ा हुआ है। ये देखिए, या तो खोला होगा किसी ने, मेन हमारा यहाँ से सप्लाई जाती है। तो इसी चक्कर में मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर प्रिंट उखड़ जाते हैं तो आपको वे कैसे ढूंढोगे इसका, ठीक है। मेन तो वही चीज़ है, जब हमारा चार्ज कहाँ से हो जाएगा, हम चार्जिंग जैक चेंज भी कर देंगे तो चार्ज तो होगा नहीं। देखो प्रिंट उखड़ने के बाद आपको क्या करना है, माइनस उखड़ जाता है तो आप यहाँ से कहीं से अपना बी माइनस से भी जम्पर कर सकते हो, ठीक है। पर हमारा क्या प्लस वाला उखड़ा, प्लस वाले के लिए हमको क्या करना है आपको दिखाता हूँ, यहाँ से स्क्रैच कर लेना है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, यहाँ से स्क्रैच कर लेना है। ये रब बिल्कुल इसके पास से जा रहा है, मैं आपको फोटो दे दूंगा क्लिक करके, आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, ये मैंने स्क्रैच करके हल्का सा कर रखा है और तब भी हमारा काम नहीं कर रहा। हम चेक कैसे करेंगे, मल्टीमीटर को हम जो है मल्टीमीटर की मदद से हम करेंगे चेक, ठीक है। ये हमारा जो है ग्राउंड पे रखेंगे तो, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, तो हम यहाँ पे जो है चेक करेंगे, ये जो हमने स्क्रैच किया यहाँ पे, वहाँ वैल्यू आनी चाहिए, पर हमारी इसमें वैल्यू नहीं आ रही है। ये प्रॉब्लम है कि चार्ज तब भी नहीं हो पाता, ये देखिए, ठीक है। तो भाई इसमें जो है ट्रैक मिसिंग है, जिसी कारण जो है यहाँ पे वैल्यू शो नहीं कर रही है। ट्रैक मिसिंग कहाँ से है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कंपोनेंट जो है उखड़ चुका है, साथ में प्रिंट भी लेके उखड़ चुका है, मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा, ठीक है। और ये भी आपको दिखा दूंगा जंपर कैसे करना है। ये जो हमारा प्लस वाला है, यहाँ से स्क्रैच कर लेना, यहाँ जंपर कर देना, जैक लगाएंगे हम, तो ये जो है वैल्यू अब दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। हमें रेड वाला ग्राउंड पे रखना है, ग्राउंड पे रख लेना, ये भी हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड, ठीक है,
ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड। तो ये देखिए वैल्यू आ रही है, यहाँ से हम जंपर कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, इस साइड से। और आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ, ठीक है, ये रहा। और हमारा जो है यहाँ से यहाँ जंपर हमें स्क्रैच कर लेना, थोड़ा सा स्क्रैच कर लेना किसी ब्लेड से, ये देखिए, ठीक है। और मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा, तो आपको जंपर कर लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसलिए हमारा ट्रैक मिसिंग है। तो हमारा जो है यहाँ पे भी वैल्यू आने लगेगी, तो अभी मैं एक जंपर कर लेता हूँ सबसे पहले तो इसमें। शायद आपको दिख जाए तो अच्छी बात है। ये देखिए जंपर मैंने कर लिया यहाँ पे हल्का सा, ये पूरा हमारा जो है पॉजिटिव है। स्क्रैच कर लेना क्योंकि इसका पॉजिटिव जल्दी से नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो है वैल्यू अब आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। ब्राउन पर रेड एंड ये देखिए आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे हम जो है चार्जिंग जैक लगा लेते हैं, चार्जिंग जैक लगाने से पहले दोस्तों हमें करना क्या है, चार्जिंग जैक को रीसोल्ड कर लेना है, ठीक है। हल्का सा हम पेस्ट लगाएंगे, तो दोस्तों हमने ये रिसोल्ड तो कर लिया। हल्का रिसोल्ड इसलिए करना ज़रूरी है जो ठीक से फिट बैठ जाए। यहाँ पे भी अपना रिसोल्ड कर लेना है, ठीक है, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ठीक है, अपने जो प्रिंट भी रिसोल्ड कर लेना। और जो यहाँ पे पेस्ट लगाना मत भूलना, पेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। हीट कहाँ से मारेंगे, यहाँ से, नीचे से नहीं मारेंगे क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे बटन है, जो हमारा बटन है वॉल्यूम डाउन या प्लस का होगा, तो हमें हीट मारना है यहाँ से, ठीक है। ये देखिए दोस्तों चेक तो हम लगा चुके हैं, पर ये काम तब करेगा जब हम इसको प्लस वाला जंपर मारेंगे। जो मैंने स्क्रैच किया था वो तो नीचे दब गया है, पर थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि अगर ग्राउंड से जो बीप करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो
तो मैं क्या करूँगा, अलग से इसके लिए जम्पर बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो वेज आ रहा है वहाँ पे स्क्रैच करूँगा। ठीक है, ये देख रहा है आप बीच में। अब यहाँ से मैं जम्पर करूँगा, एक बार कंटिन्यूटी मोड में रख के देख लेता हूँ वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, आ रही है, हम जम्पर कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने जम्पर कर लिया है यहाँ से, और देखिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ज करके कि लाइट चल रही है या नहीं चल रही है इसकी। ये देखिए चार्ज हमारा दोस्तों होने लगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कि आपके काम आई या नहीं आई। ये वीडियो इसलिए बनाई थी मैंने कि आप जम्पर करके अगर आपका भूल जाओ तो फिर ये तो डेड हो जाएगा, अगर अगर आपको नहीं पता होगा तो कि कहाँ से जंपर होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।